गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो जहां पर आज हम लोग खेलेंगे कुछ डिफरेंट गेम्स। अभी ना हाल फिलहाल में कार फोर सेल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और आज मैंने ना कुछ कार फोर सेल टाइप के गेम्स को डाउनलोड करा और मैं देखने वाला हूँ इन दोनों में से कौन सा वाला कार फोर सेल ज्यादा बेटर है। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हमारा पहला गेम। एंड यहाँ पर हमारा गेम तो शुरू हो गया है एंड यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है अपन को, एक मल्टीप्लेयर नॉर्मल न्यू गेम शुरू करते हैं, मल्टीप्लेयर नहीं खेलना है। यहाँ पर ऑक्शन टेक प्लेस टुडे एट 12 PM। ओके 12 बजे यहाँ पर एक ऑक्शन शुरू होने वाला है और गेम के ग्राफिक्स फोन के हिसाब से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को। ये देखो यहाँ पर पूरा मस्त सा एनवायरनमेंट दे रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे अपना बस स्टॉप है और ये रहा हमारा छोटा सा शोरूम। भाई ये शोरूम तो नहीं लग रहा, पान की दुकान लग रही है, छोटी भी बहुत ज्यादा गंदी वाली। वो देखो वहाँ पे कचरा पट्टी पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा। और यहीं पे मेरा पास में ही कंटेनर है, ये चीज बहुत अच्छी है कि मैं रहता बिल्कुल पास में ही हुई है, देखो यहीं पे रहता हूँ मैं। और ये रहा हमारा ट्रक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं अपने शोरूम के अंदर, देख के दिखा के लाता हूँ तुम लोगों को मेरा कार शोरूम दिखता कैसे। तो ये रहा हमारा आलीशान कार शोरूम। इंटीरियर बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है इन लोगों ने, ये देखो वो मस्त लग रहा है यार। दीवार में क्यों घुस रहा हूँ मैं यार, क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारा खतरनाक कर्व्ड मॉनिटर है गाइस, ये देखो। ओके तो मुझे करना क्या है बेसिकली, ये रहा कंप्यूटर, यहाँ पर है हमारा ऑफिस डेकोर जिसके के हम लोग अपने ऑफिस को अपग्रेड कर सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं $1,00,000 में। तो सबसे पहले ना अपन को इसके अंदर भी कार को परचेस करना पड़ेगा क्योंकि सब गेम में यही करना पड़ता है। तो लेट्स गो, पहले चलते हैं कार को परचेस करने के लिए नेबरहुड जैसे कि हम लोग को जाना पड़ता है। तो ये रहा सामने हमारा बस स्टॉप जहाँ से हम लोग बस को पकड़ेंगे। कार मार्केट रेसिडेंशियल एरिया में जाना है मुझे। ओके तो ये आ गए हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में और यहाँ पर ये देखो मस्त से मस्त घर है और कुछ कार भी यहाँ पे खड़ी है जिनको मैं परचेस कर सकता हूँ। अब ये देखो ये रही हमारी पहली कार जिसकी हालत बहुत ही खराब हो रखी है भाई, ये क्या तोड़ फोड़ रखी है पूरी कार। अंकल पागल हो गया, इतनी गंदी कार करके बेच रहे हो, मतलब क्या ठोक पीक करके एक्सीडेंट वाला माल बेच रहे हो क्या, हमको नहीं खरीदना। निकल लड़ियन। यहाँ पर एक कार और है, इसका भी लगता है एक्सीडेंट हो रखा है, देखो पूरी ऊपर से भी दब चुकी है, सब सत्यानाश हो रखा है और ये गेट तो पूरा खकर बकर कर रखा है। बेवकूफ गधे, ऐसी कार बेचता, बेशरम शरम नहीं आती तुझको। वो देखो सामने एक ब्लू कलर की कार देखो रहे, उसके पास चलते हैं, लेट्स सी देखते हैं वो कितने में मिलने वाली है। वैसे मेरे पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं है, 7,500 रुपए ही है और 12 बजे यहाँ पर ऑक्शन भी चालू होने वाला था, तो जल्दी चलते पहले यहाँ पे कार खरीदते हैं। वेट यार, ये आंटी भी इतनी गंदी कार बेच रही है, टूटी फूटी, मेरे को बीच वाली कार ज्यादा बेटर लगी तो मैं वही वाली कार परचेस करूंगा यार, मेरे को नहीं अच्छी लगी ये वाली कार। ओके तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एंड ये भैया से बातचीत करते हैं पहले कितने में बेच रहे हैं कार। ओके इनका नाम, ओके ठीक है, $4,661। तो इससे थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, देखो 4,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं 10% कम करता हूँ, 20% कम करे मैंने, 3,700 कुछ ठीक है। नहीं इनको मना कर रहे हैं यार, ये तो इनको नहीं चाहिए, ठीक है 4,600 में खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने खरीद ली हमारी पहली कार जो कि ऐसी दिख रही है, जो कि टूटी फूटी है थोड़ी बहुत, अब पीछे से भी टूटी हुई थी ये तो। साला चूना लगा दिया, ओ चूना लगा दिया। यहाँ पर हम लोग कार के अंदर बैठ गए, ये देखो कार। वेट, अबे ड्राइवर किधर है, अब उसके अंदर तो ड्राइवर ही नहीं है। ये का मजाक है यार, आराम से हम लोगों को यहाँ से जाना है के यहाँ पर गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है बट इतनी कुछ खास लग नहीं रही, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कार। अरे रेसिडेंशियल जोन इधर भी है, मैं इधर भी आके कार परचेस कर सकता हूँ मैं भी ना, यहाँ पर तो अच्छी अच्छी कार से यार। ओए 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 ठुकना नहीं है। अरे भाई यहाँ पे एसयूवी वगैरह थी। वेट ये क्या है, रुक। ओ माय गॉड भाई इतनी खतरनाक कार थी यहाँ पर, ये मेरे को परचेस करना थी। आंटी कितने की है यार, 2,000 में दे दो प्लीज। 69 कितना, $6 मिलियन है भाई। ओ माय गॉड आंटी, इतना मेरी 7 पुश्ते नहीं कमा पाएगी, जितने पैसे आप बता रहे हो ना इतना मेरी 7 पुश्ते नहीं कमा पाएगी। वो देखो सामने की साइड एक लिमोजिन खड़ी है बट अभी अपन को ये सब कार परचेस नहीं करना, अपन तो इसको टो करवा रहा हूँ भाई, हटाओ क्योंकि अभी ना मुझे ये कार से खरीदना नहीं है, मैं गरीब हूँ। पहली कार अपन बस बेच देते हैं फिर देखते हैं अपन को पहले, क्योंकि इसके लिए ना मेरे को बहुत पैसा कमाना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं फूटी कोड़ी भी, तो यहाँ से निकलने के लिए मुझे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। ओए A few moments later. Okay guys, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वापिस से हमारे। वेट यहाँ पर कुछ लिखा है, वॉन्टेड डेड और अलाइव, रिवॉर्ड में $1,00,000 मिलेंगे। हाँ इस बंदे को पकड़ना पड़ेगा $1,00,000 कमाने में को। और जहाँ पर मैंने मेरी कार बुलवाई थी वो रही हमारी खटीचे सी कार, इस कार को मेरे को बेचना है, ठीक है। देख लो गाइस गंदी दिख रही है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छी कार है वो। तो पहले तो मैं इसको आराम से पार्क कर देता हूँ बिना ड्राइवर, भाई ड्राइवरलेस कार है और क्या चाहिए तुमको बताओ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी फटाफट से मेरे को इसको बेचना है। तो यहाँ पर मेरे को कंप्यूटर पे क्लिक करना पड़ेगा और सेल कार पे मैंने क्लिक कर दिया और ये रही सेल, ठीक है।
तो मैंने इसको खरीदा था $4,661 में। अब मैं इसको बेचूंगा $7,000 में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको $7,000 में परचेस के मतलब सेल के लिए लगा दिया। लेट्स सी क्या होता है कि ये बिकती या नहीं बिकती। और वैसे आज ना कार मार्केट भी ओपन है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा कार मार्केट भी एक्सप्लोर करके आते हैं बैठे बैठे। वेट, ये रहा हमारा यहाँ का कार मार्केट, और यहाँ पर तो बहुत तगड़ी तगड़ी कार आ रखी है। और वेट, मिनी कूपर, और भाई साहब ये क्या है, बुगाटी। मैं सपना तो नहीं देख रहा है, बुगाटी बेच रहा है बेशरम। साले तेरे पास इतने पैसे क्या है फटीचर आदमी। $7 million भाई साहब, $7 million, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख, इतना पैसा तो मेरी पुश्तैनी कमा पाएगी। मैंने पहले ही बोला था मेरे को सस्ती कार खरीदना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बाकी जो कार है ना मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, और ये वाली कार भी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो स्पोर्ट्स कार है, और ये देखो जी वैगन। ओ माय गॉड, जी वैगन भी बिक रही है, जिसकी हालत थोड़ी सी खराब है, उसको अपग्रेड करवा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बट अभी ना हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि मैं ये सारी कार खरीद सकूं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कार शोरूम में मैं दोबारा से आ चुका हूं। देखते कोई कस्टमर मेरे लिए वेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया भाई, मजा आ गया कस्टमर की तरह। और कस्टमर आ गया हमारा पहला कस्टमर, क्या बात है भाई साहब, लेके जाओ, ये आप ही के लिए बनी है, लेके जाओ। 4,700 बोल रहा है, तो इसको मैं ना ज्यादा नहीं 5,000 का, 5,500 का ऑफर देता हूँ, ठीक है यार। ये तो एक ही झटके में चला गया। और एक और कस्टमर आया, आज आज आ जाओ सर, सर बिल्कुल, ये कार सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिव बनाई है मैंने। 4,200 भाई, ये तो मेरी खरीद से भी कम दे रहा है, अंकल नहीं बेचना। हाँ कहाँ घुस जाले आ रहे हो, अरे कार में घुस रहे हो भैया, और रुक जाओ। अंकल कहाँ घुस रहे हो यार, डायलॉग वाला पट्टा नहीं आ रहा। वो एक और अंकल आए, वो इनके जुड़वा आ गए, वो अंकल का जुड़वा, देखो दोनों सेम टू सेम नहीं दिख रहे। ये तो उससे भी कम कर दिए भाई, मैं ज्यादा लालच न करता हूँ, 5,000 में बेच देता हूँ भाई। देखो ये लो, इनने भी मना कर दिया भाई, नहीं मुझे नहीं बेचा। अबे मैंने गलती से उसको लॉस में बेच दिया क्या? अबे भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको सिर्फ $4,000 में बेच दिया, $600 का नुकसान हो गया मेरे को। तो यहाँ पे मुझे एक गेम और मिला है जिसका नाम है कार सेलर ट्रेड सिमुलेटर अर्ली एक्सेस, ठीक है। ये वाला गेम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम, तो लेट्स सी ये वाला गेम कैसा होने वाला है। बाकी सच्ची में इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छे है यार, पुराना वाला गेम बहुत अच्छी था, चला ही नहीं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इंटर डीलरशिप नेम, ओके डीलरशिप का नाम रखेंगे अपन, तो हमारी डीलरशिप का नाम होगा भंगार की दुकान। वेट, ओ माय गॉड भाई, ये गेम है क्या भाई, ये तो बहुत अच्छा गेम लग रहा है। ओए ये देखो इसके ग्राफिक्स भी कितने तगड़े हैं, और ये कितना अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। ये देखो बस स्टॉप, ये वाला गेम तो सच्ची में अच्छा है, मैंने गलती से गलत नाम रख दिया मेरे को लग रहा है। नेबरहुड में आ गया हूँ मैं, और ये क्या है, एरो एरो से क्या बता रहा है, ये किधर जाने का बोल रहा है हा? और अभी हमको जबरदस्ती ये वाली कार खरीदना पड़ेगी। बाकी इसके ग्राफिक्स देखो कितने अच्छे हैं। ये क्या है आंटी, गले में पट्टा क्यों बांध रखा है आपने, टॉक करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा चैट बॉक्स, जहाँ पर हम लोग एक कार की कीमत बताने वाले हैं। कार तो देखने देते कौन सी कार है, और मतलब कंपनी का नाम फोर्ड है, और ये जबरदस्ती बाय करवा रहे हैं यार। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे को नहीं खरीदना थी ये कार भाई, क्या वाहियत कार खरीदवा दी मेरे को यार, मेरे को नहीं चाहिए थी ये। अरे ये वाली कार बहुत फास्ट है, आराम से इस कार को लेके इधर पार्क करने में भी। और पुट ऑन सेल, ओके यहाँ पर मुझे इस चीज का प्राइस सेट करना है। मैंने $2,000 में इसको खरीदा था, $2,900 में, और अब ये बोल रहा है अगर आपको बेचना है तो आपको सेट करना पड़ेगा प्राइस। और ये जो बीच वाला एरो है ना, ये आपको सक्सेस चांस बता रहा है। अगर मैं कम प्रॉफिट लूंगा, माइनस में लूंगा, तो 100% चांस है कि बिक जाएगी। थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ाता हूँ तो 99 हो जाएगा, और अगर मैं भयंकर ही प्रॉफिट बढ़ाता तो 0% ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 50-50 चांस रखते हैं ना, जिससे अपन को थोड़ा प्रॉफिट भी हो और नुकसान भी ना हो। तो $1,400 का मैंने रखा, 50% का इसमें प्रॉफिट रखा है, जिससे कि मुझे $1,400 का प्रॉफिट होगा। तो मैंने इसको लगा दिया सेल पे, ये लग गई हमारी कार सेल पे, जो कि कुछ ऐसी दिख रही है, डब्बा सी कार है भाई, ये कौन ही खरीदेगा। और वेट, ये मत बोला, ये हमारे पहले कस्टमर से, और ये देखो ये बंदा तो देखने में ही रहीस लग रहा है, सोने वोने की चीजें पहन रखी इसने। तो लेट्स सी ये क्या करते हैं, खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं। और टाइम चालू हो गया, ओके 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 लेट्स गो। क्या लगता है भाई खरीदना है तुझे? हाँ 4,300, क्या मजाक है, 2,900 में तो मैंने खरीदी है, और इसको $2,966 में चाहिए। बार्गेनिंग करने के लिए ऐड देखना पड़ेगा, बेचना ही नहीं है तुझे, निकल यहाँ से। तू बताओ भाई कितने में, जल्दी बताओ। इसके हाथ में क्या तम्बाकू ठोक रखा,
साले विमल थूक के रखा है हाथ में इसने, ये भी 2900 में मान रहा है। ठीक है सेल कर, हटाओ हटाओ भाई, सोचना ही नहीं। $66 का प्रॉफिट भी हो रहा है ना तो बहुत होता है, कम नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी पहली कार बेच दी इस गेम के अंदर, और ये गेम ना मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम उनको वही काम कर रहे हैं, कार में बेचना है। नहीं नहीं एड्स मत आना प्लीज। अब क्या मजाक है यार, मैं खेल ही नहीं रहा भाई ये वाहियत गेम।